हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट, पथराव, कई राउंड फायरिंग की भी सूचना। एक युवक घायल, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने पर भारी पुलिस बल को मौके पर किया गया तैनात। अभी यहाँ पे दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और एक लड़के को गंभीर चोट आई है, उसका इलाज कराया जा रहा है और घटना के कारण के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है और सारे तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे। सर, मैं घर से नाश्ता करके यहाँ निकला था और पड़ोस में एक लड़की खेली थी बच्ची, और गद्दीवाड़े की तरफ से एक बाइक आ रही थी, बेतहाशा से ज़्यादा स्पीड थी। मैंने उस बच्ची को अपने करीब भेजा। मैंने उनसे कहा, अरे बाइक ऐसे तरह चलाते हैं क्या? तो उन्होंने गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद में हमारा पड़ोस में लड़का था कि चाचा गाली बक रहे हैं। मैंने कहा, गुजा भाई, मैंने क्या कह रहा? नुका अभी आ रहे हैं हम 5 मिनट में। वो गए यहाँ से वापस। वापस जाने के बाद में फिर 3 मोटरसाइकिल आई, मैं वहाँ पहुँच गया अपनी गाड़ी देखने के लिए बाहर। फिर वहाँ जी गए, गाली गलौज करने लगे। वो तू ही आ? मैंने कहा, हाँ मैं ही है, बता क्या बात थी? कह लगे, क्या कह रहा? मैंने कहा, सही कह रहा, मोहल्ले में बाइक कैसे चलाई जाए, ये हाईवे है क्या? कह लगे, तो ठीक है अभी आ रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात ना भैया, दोबारा आ जाओ। फिर पल्ली तरफ से आए ये फायरिंग करते हुए। फायरिंग करी? हाँ जी, फायरिंग गोली लगी थी। अब लगी तो जो भी है उनके पता होगी, लेकिन शायद एक हमारे भैया के लगी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के छासियावाड़े की घटना। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।